चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आपको आज देहरादून से बता रहे हैं। आपको बता दें, यूकेएसएससी में हुए घोटाले को लेकर अब गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी है। बड़ी गिरफ्तारी हुई है। यूकेएसएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व चेयरमैन आरबीएस रावत, जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया है, वही सचिव मनोहर कन्याल को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले का बड़ा मामला है, जिसमें अब यूकेएसएससी के पूर्व चेयरमैन आरबीएस रावत को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिल रही है कि एसटीएफ ने मनोहर कन्याल को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार से इस वक्त की अगली अपडेट आपको बता रहे हैं। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनैतिक तेल व्यापार अधिनियम की धारा भी बढ़ा दी गई है। बयानों और साक्ष्यों के आधार पर ये धाराएं बढ़ाई गई हैं। कोटद्वार में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब देव व्यापार अधिनियम के तहत भी धाराएं बढ़ाई गई हैं। आपको बता दें, ये मामला ऋषिकेश का, जहां पर रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी की हत्या करने के बाद शव को नदी में फेंक दिया गया था, और इस मामले को लेकर अब आरोपियों पर कार्रवाई चल रही है। अभी जानकारी मिल रही है कि अब इस मामले में जो मुख्य आरोपी संलिप्त हैं, उनके ऊपर अनैतिक देव व्यवहार का अधिनियम की धाराएं भी बढ़ाई जा रही है। जो जानकारी निकलकर सामने आई थी, उसमें लड़कियों पर जबरदस्ती दबाव बनाकर उन्हें देव व्यापार में घुसाने की कोशिश रिजॉर्ट संचालक कर रहे थे, और अंकिता पर भी इसी तरह का दबाव बनाया गया था। इसी के चलते अब पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराएं भी अंकिता भंडारी केस में बढ़ा दी हैं, और ये धाराएं बयानों और साक्ष्यों के आधार पर बढ़ाई गई हैं।